हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस ऑफ वर्जिन मेरी हायर सेकेंडरी स्कूल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ क्लास 10th साइंस, गोनाड्स। ये आपके 7th चैप्टर का पार्ट है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का। तो गोनाड्स ये जो है ये एक ग्लैंड है, ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। तो ये ग्लैंड जो रहती है मेल और फीमेल के लिए, फीमेल में अलग अलग होती है। तो दो टाइप की ग्लैंड्स होती है जो किसी भी ह्यूमन बींग्स के अंदर पाई जाएगी। तो फीमेल के अंदर जो होगी वो फीमेल गोनाड्स होंगे और मेल के अंदर जो होगी वो उसको मेल गोनाड्स बोलेंगे। फीमेल गोनाड्स की अगर बात करें तो ये पेयर ऑफ ओवरी से ही क्या बनते हैं, गोनाड्स बनते हैं, किसके, फीमेल के। तो दो पेयर ऑफ ओवरी जो रहेगी वो पाई जाएगी किसी भी फीमेल के अंदर। ओवरी जो रहती है वो फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो एब्डोमिनल कैविटी के दोनों साइड पाए जाते हैं। ओवरी जो रहती है वो प्रोड्यूस करती है हॉर्मोन्स, कौन कौन से हॉर्मोन्स, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दो हॉर्मोन्स जो है वो किसके द्वारा, ओवरी के द्वारा सिक्रेट होते हैं। देन जो ओवरी रहती है उसमें से जो एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन क्या कंट्रोल करता है, चेंजेस को, किस, कौन से चेंजेस को, जब प्यूबर्टी के जो चेंजेस रहते हैं उनको, उन चेंजेस को कंट्रोल करने का काम किसका रहता है, एस्ट्रोजन का रहता है। फीमेल जैसे कि कौन कौन सी चेंजेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि जो फीमेल की वॉइस रहती है कि लड़कियों जैसी आवाज़ हो या फिर सॉफ्ट स्किन हो, साथ ही साथ जो मेमोरी ग्लैंड रहती है उनका डेवलपमेंट, तो ये सभी जब जो है वो प्यूबर्टी के टाइम पे होता है। और जो कौन कंट्रोल करता है, एस्ट्रोजन कंट्रोल करता है। देन प्रोजेस्टेरोन की अगर अपन बात करें तो ये क्या कंट्रोल करेगा, जो यूटरिनरी जो चेंजेस है, हाँ, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के अंदर जब होते हैं तो उन चेंजेस को ये जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन जो है वो कंट्रोल करके रखेगा। साथ ही साथ ये हेल्प करता है प्रेगनेंसी में, जो प्रेगनेंसी का जो मेंटेनेंस रहता है उसको ये हेल्प करेगा। देन हम बात करते हैं मेल गोनाड्स की। तो जो मेल गोनाड्स रहता है वो भी पेयर ऑफ, उसके अंदर भी क्या आते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस। उसमें अगर फीमेल की बात करें तो उसमें ओवरी आती थी, लेकिन यहाँ पे टेस्टिस आएंगे। और ये मेल गोनाड्स है, इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस जो रहेंगे वो लोकेट रहेंगे स्क्रोटम में, जो कि एक सेक लाइक स्ट्रक्चर है, एक थैली जैसा स्ट्रक्चर रहता है जो कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर के साइड होता है, ठीक है। अगर हम देखें फीमेल सेक्स ऑर्गन, मतलब कि अगर ओवरी की अगर बात करें तो ओवरी एब्डोमेन के अंदर होती थी, लेकिन स्क्रोटम के बाहर, मतलब स्क्रोटम जो है वो बाहर वाला पार्ट है एब्डोमेन का, और वहीं पे ये टेस्टिस जो है वो इस स्क्रोटम के अंदर पाए जाते हैं। देन टेस्टिस जो रहते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो कंट्रोल करता है जितने भी चेंजेस रहते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे किसी भी मेल के अंदर, उन सारे चेंजेस को ये टेस्टोस्टेरोन जो है वो कंट्रोल करके रहेगा, ठीक है। और जैसे कि कौन कौन से चेंजेस, जैसे कि वॉइस की अगर बात करें तो डीपर वॉइस होगी मेल की, और डेवलपमेंट ऑफ पेनिस, फिसल और बॉडी हेयर। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो किसका काम होगा, ये टेस्टोस्टेरोन है उसका काम होगा। नाउ स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।